बिहार की सियासत में मांझी का मन एक बार फिर से डोल रहा है। हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं इस बात की तस्दीक करती हैं। हालांकि सब कुछ कहने और करने के बाद जीतन राम मांझी आखिर में कह देते हैं कि वो एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। आखिरी लाइन सुनकर सत्ता में बैठे लोग चैन की सांस लेते होंगे। जीतन राम मांझी पुराने कांग्रेसी रहे हैं, मुंह जलाने से बचना चाहते हैं। किसी भी मुद्दे को इतना लंबा खींचते हैं कि सामने वाला भी उकता जाता है। उसे भी लगता है कि रोज रोज की किचकिच से अच्छा है मुक्ति पालें। कम से कम कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। पिछले कुछ दिनों से जीतन राम मांझी उसी एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। मांझी की ख्वाहिश थी कि नीतीश कुमार उनको एक MLC का सीट देते, कैबिनेट में एक मंत्री पद देते, मगर ऐसा हो नहीं पाया। इसके बाद मांझी पॉलिटिकल प्लान बनाने में जुट गए। बीच में कोरोना ने कुछ दिनों तक रास्ते को रोक रखा। अब मांझी पहले से ज्यादा फिट हैं, कोरोना भी थोड़ा ठंडा पड़ गया है और राजनीतिक माहौल भी मुफीद है। तो ये भी जान लेते हैं कि आखिर मांझी का मन क्यों डोल रहा है। दरअसल लालू यादव के सामाजिक न्याय की बातों से मांझी प्रभावित रहते हैं। जीतन राम मांझी को बिहार विधान परिषद में एक और सीट चाहिए। बिहार मंत्रिमंडल में जीतन राम मांझी एक और मंत्री पद चाहते हैं। बेटे संतोष मांझी के लिए दूसरी बार MLC की सीट रिजर्व चाहते हैं। अरे NDA में न रहने का कौन सवाल है भाई? NDA और महागठबंधन सब यहाँ की बात जो है तो उसमें जहाँ जहाँ हैं वहाँ हैं। मन डोल रहा है तो आप आ जाइए, स्वागत है महागठबंधन में। नहीं, किसे कहने को तो बहुत लोग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। भाईचारा में यहाँ पर वाइफ हस्बैंड भी पार्टी में अलग अलग होते हैं, भाई भाई भी अलग होते हैं, माता और बेटा भी अलग अलग होते हैं। तो वैसी परिस्थिति में तेज प्रताप अगर हमारे पास आए हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि कोई राजनीतिक मंशा है। इधर से लगातार गुजर रहे थे और ये कोई नई बात नहीं है कि अंकल से हम पहले नहीं मिले हैं। लगातार हम मिलने का भी काम करते हैं और इनका मार्गदर्शन हम लेने का भी काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो अपना ऐसे ही जो पारिवारिक जो संबंध है अपना, उसी को हम आए सोचे कि बहुत दिन हो गया कोरोना काल के बाद, जब इतना दिन के बाद लॉकडाउन खुला तब आकर के सोचे कि एक बार मुलाकात कर लेते हैं बस। जीतन राम लंबे समय तक लालू राबड़ी सरकार में मंत्री रहे, बाद में नीतीश कुमार के साथ आ गए। नीतीश ने तो मांझी को राज पार्टी सौंप दिया था, फिर पार्टी के दबाव में कुर्सी ले भी ली। तब मांझी ने BJP की सवारी की, मगर वहां उनका मन नहीं लगा। लालू यादव ने फिर से मांझी को याद किया और मांझी दौड़े चले आए। लालू यादव ने जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मांझी को विधान परिषद का सदस्य बना दिया। 2020 चुनाव आते आते लालू यादव सक्रिय राजनीति से दूर होते चले गए और पार्टी की कमान लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने संभाल ली। जीतन राम मांझी की मांगे बढ़ती जा रही थी, उसे नौजवान तेजस्वी यादव तरजीह देने के मूड में नहीं थे। जब जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हुए थे तो उन्होंने कहा था कि लालू यादव के कहने पर वह पार्टी गठबंधन में आए थे। उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया था कि वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। आखिरकार मांझी एक बार फिर नीतीश के पाले में आ गए। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन मांझी का मन नहीं लग रहा। उनको MLC के अलावा एक मंत्री पद भी चाहिए, मगर बात नहीं बनती देख मांझी दूसरा गेम खेलने लगे। चूंकि इनको पता है कि नीतीश कुमार के पास बहुत दमदार बहुमत नहीं है, वो चाहे तो सरकार को हिला भी सकते हैं। इसमें उनको दूसरे सहयोगियों का साथ भी मिल सकता है। कहा जा रहा है कि लालू यादव ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत तेज प्रताप यादव को आगे किया है। इससे पहले भी तेज प्रताप मांझी से मिल चुके हैं, दोनों का आवास भी आस पास ही है। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी के व्यवहार में भी काफी अंतर है। लोगों का मानना है कि तेजस्वी से ज्यादा मिलनसार तेज प्रताप हैं। संबंधों को निभाने में भी तेज प्रताप को लोग तेजस्वी से बेहतर मानते हैं। मांझी ने जब महागठबंधन छोड़ी थी तब भी उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया था। उन्होंने तेजस्वी पर किसी की बात नहीं सुनने और अपने मन की करने का आरोप लगाया था। शायद यही वजह है कि RJD सुप्रीमो ने तेज प्रताप को मांझी को संभालने की कमान दे रखी है।
एनबीटी सूत्रों के मुताबिक बंद कमरे में तेज प्रताप के सामने लालू यादव ने मांझी से करीब 10 मिनट तक बात भी की।